सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हर रोज प्रदेश के किसी न किसी जनपद से लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। ताज़ा मामला जनपद मुजफ्फरनगर से सामने आया है, जहां दिल्ली निवासी एक महिला की मदद करने के नाम पर मुजफ्फरनगर के एक मुस्लिम युवक आदिल ने खुद को आयुष बताकर 3 साल तक महिला का यौन शोषण किया और फिर जबरन उसका धन परिवर्तन कराकर उसे सीमा से फना बना दिया, जिससे परेशान होकर महिला ने अब कानून का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल मामला बुड़ाना कोतवाली का है, जहां आदिल नाम के युवक ने आयुष गुर्जर बनकर साल 2021 में दिल्ली की एक सीमा नाम की महिला की मदद करने के नाम पर उससे पहले दोस्ती की और फिर 3 साल तक उसका यौन शोषण करने के बाद उसका धर्म परिवर्तन कराकर सीमा से फना बना दिया। जानकारी के मुताबिक सीमा का उसके पति से विवाद चल रहा था, जिसको लेकर मदद के नाम पर आदिल ने खुद को वकील बताते हुए महिला को अपना नाम आयुष गुर्जर बताते हुए महिला को अपना मित्र बनाया, जिसके बाद दोनों में फोन पर लगातार बातें होती रही। आरोपी के इस दौरान 3 साल तक आदिल आयुष गुर्जर बनकर पीड़ित महिला के साथ रहकर उसका यौन शोषण करता रहा और जब महिला को युवक का सच पता चला तो उसने इसका विरोध किया। वहीं महिला द्वारा विरोध किए जाने पर आरोपी आदिल ने पीड़ित महिला को धमकी देते हुए कहा कि वो अगर इसके बारे में किसी को कुछ बताया तो उसके अश्लील फोटो वायरल कर देगा, जिस पर पीड़िता उसके साथ रहने को मजबूर हो गई। लेकिन मुस्लिम युवक से परेशान होकर पीड़ित महिला ने कानून का दरवाजा खटखटाया। पीड़ित महिला मुजफ्फरनगर पहुंची और आरोपी आदिल के खिलाफ तहरीर देते हुए मामले में आरोपी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। थाना बुड़ाना पर एक तहरीर प्राप्त हुई थी। पीड़िता जो है दिल्ली की रहने वाली हैं, उनका अपने पति से कुछ विवाद चल रहा था। इसी बीच एक बुड़ाना का रहने वाला युवक आदिल, वो उस महिला को 2021 में दिल्ली में मिलता है। अपने आप को अपना नाम वो एक आयुष गुजर इसमें अपने आप को अपना नाम बताता है और नाम बताकर अपने आप को वकील बताता है। उसको उसके पति के साथ चल रहे विवाद में हेल्प करने के लिए उसको झांसा देता है और लगभग 3 साल तक उसके साथ संबंध बनाता है, उसके साथ रिलेशन बनाता है। पिछले वर्ष महिला को एक ज्ञात भी हो गया था कि उसका असली नाम आदिल है, वो मुस्लिम है और वो पहले से शादीशुदा है। उनका आपस में कुछ विवाद भी हुआ, जिसके बाद भी उनके आपस में उसने उसके साथ रिलेशन बनाए हैं। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में एक अभियोग जो है थाना बुड़ाना पर पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें पुलिस टीम गठित कर दी गई है। जल्दी अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध बहुत सख्त इसमें जो है कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में जहां एक ओर पीड़ित महिला की तहरीर के बाद पुलिस आरोपी मुस्लिम युवक की तलाश कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर हर रोज प्रदेश से आ रहे लव जिहाद के ये मामले कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। पहला ये कि प्रदेश का कानून इतना सख्त होने के बाद हर रोज ये मामले कैसे आ रहे हैं, सरकार आखिर इन लोगों के खिलाफ कोई कदम क्यों नहीं उठाती। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरनगर से अमित कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।